हेलो एंड वेलकम ऑल। अभी देखो, इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगेन, मैंने लास्ट दो वीडियो में अगर मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन चीजें की है, वो एक ही बार देखना है, बाद में रिवीजन के वक्त उनको देखना भी नहीं है करके, इस कारण से उसको एक बार डिटेल में बता दिया। अगर मैं कोर क्रक्स बताऊं तो ऑलमोस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे आने वाले सारे एग्जाम्पल आप ये फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है किसी भी अमाउंट पे, वो कैलकुलेट किया जाएगा या रिप्रेजेंट होता है PNR/100 से, वेयर पी इज अ प्रिंसिपल, द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट, एन इज अ टाइम पीरियड एंड आर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। समटाइम्स द दे टॉक अबाउट द अमाउंट दैट यू विल रिसीव। सो देखो, आप इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो कैलकुलेट कर लो, वो प्रिंसिपल के साथ जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा अमाउंट। ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे ना, कोशिश करेंगे पहले दो वीडियो में, नेक्स्ट दो वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के सारे एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर ले, जितना सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल बन सकते हैं। कोरली हमें फॉर्मूले पे अच्छे से कमांड लाना है। एंड द सेकंड वन इज दैट कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट में भी सवाल जो है ना देते वक्त इतना डिफिकल्ट कर देते, क्योंकि लैंग्वेज समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो उन्हें कैसे टैकल करना है ये हमें समझना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अमाउंट बस रुपीज की जगह डॉलर में लिखा है मोस्टली, क्योंकि मुझे रुपीज का साइन नहीं मिल रहा था मेरे कीबोर्ड पे, इसलिए। होप दैट वुड बी फाइन। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चाहे तो आप हर एक क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कर सकते हो, या फिर आप नहीं समझा तो आप देख सकते हो। एग्जाम्पल पहले नौ एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, लर्निंग्स मिलेंगी उसके अंदर, कमांड भी अच्छे से आएगी, यही हमारा पर्पस है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। क्वेश्चन सेज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 इज डिपॉजिट इन अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ऑफ 6% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न आफ्टर 3 ईयर, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है किसी प्रिंसिपल पे कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो जस्ट यूज अ फॉर्मूला। अब देखो, छोटे छोटे चीजें रहती है, स्किल सेट ऐड करना है। अब देखो, एक अमाउंट जो 5,000 मैंने डिपॉजिट किया था बैंक में, इट विल एक्ट लाइक अ प्रिंसिपल, तो वो 5,000 रुपीज प्रिंसिपल है। नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना गिवन है, 3 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दो जीरो कैंसल होंगे, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, एंड एक जीरो अप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, द इंटरेस्ट दैट यू विल अर्न इज $900। अब ये हुआ ठीक है, फॉर्मूले से हुआ, बट अगेन मैं बता रहा हूं, इतने छोटे जो एग्जाम्पल होते हैं ना, आप लोगों से स्टार्टिंग लेवल पे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप चीजें समझ के भी करो। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चालू है, अगर मैं ओरली सॉल्व करूं, ऐसे एग्जाम्पल ओरली सॉल्व होने चाहिए। देखो, अगर मैं मुझे बैंक 6% दे रहा है, 6% मतलब क्या होगा, हर 100 के पीछे 6 रुपए, 1,000 के पीछे कितना होगा, 60 रुपीज, एंड 5,000 के पीछे क्या होगा करके 300 रुपीज। देखो, 1,000 के पीछे अगर 60 रुपीज होगा तो 5,000 के पीछे 300 रुपीज, तो सिंपल सिंपल है, 5,000 का 6% होता है 300 रुपए, साल का 300 होगा तो 3 साल का कितना होगा, 900 रुपीज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही मिलता है, तो 1 साल में 6% मतलब 5,000 का 6% होता है 300 रुपए, आप निकाल सकते हो साइड में, और वो 3 साल तक मिलेगा, 300 300 300, वो हो गया 900 रुपए। खूब आपको सिंपल, अगर आपको लगता है फॉर्मूला यूज करना चाहिए, यूज फॉर्मूला, अगर आपको लगता है ऐसे ओरली भी हो जाता है, 5,000 का 6% होता है 300 रुपए, 3 साल के हो जाएंगे 900 रुपीज, दैट इज ओके। खूब आपको ये समझाए, चाहे तो आप एंड में स्क्रीनशॉट लेके सारे सवाल लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन लिख के
छोटे छोटे लिख सकते हो। मैंने कोशिश किया है कि पीपीटी बहुत बढ़िया बनाए करके, मे बी यू नॉट गोइंग टू लाइक द कलर्स और ये, उसके मामले में मैं कच्चा हूं थोड़ा सा, बट उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बस घुमा फिरा के सवाल दिए हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम, एक कुछ तो भी अमाउंट है उस पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 8% के हिसाब से बनता है 320 रुपए या $320, व्हाट इज द सम। देखो ये जब सम कहते हैं ना, बराबर समझना, व्हाट इज द सम मतलब, आप देखो इन्होंने यहाँ पे सम किसको कहा है, दैट द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, सो दे आर आस्किंग फॉर द प्रिंसिपल। अगर ये बात मुझे समझ में आ जाएगी कि मुझे प्रिंसिपल मांगा है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया, ना कि मुझे कितना वापस मिलेगा। देखो उन्होंने मुझे यहाँ पे, देखो इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज $320, तो देखो इन्होंने एक मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, $320, टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर्स का, एंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 8%। अगेन देखो वी हैव फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू PNR/100, जस्ट चार में से आई पी एन आर में से तीन चीजें गिवन होगी, एक पार्ट मांगेंगे। इस बार मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है, पिछले एग्जाम्पल में इंटरेस्ट मांगा था, ठीक है, पर इस बार पी मिसिंग है तो वो निकल जाएगा, टाइम पीरियड 2 ईयर्स का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो मैं कहूंगा अगेन कैलकुलेट कर लो। देखो 8 से अगर यहां डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 40, 2 से ये डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 20, और 100 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 20 × 100 होगा 2000, सो द प्रिंसिपल दैट आई हैव इन्वेस्टेड विल बी 2000, या आंसर जो है वो 2000 आएगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखे हैं बिकॉज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। होप ये समझ में आया, क्लियर है। अब देखो अगेन, अगर यही सवाल अगर मैं मार्केट में बैठा हुआ कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं तो पता है मैं कैसे कैलकुलेट करता था। देखो मुझे एक लर्निंग मिला है, देखो जब मैं कल बात कर रहा था वीडियो में तो एक बात मैंने सीखी थी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो हर साल सेम ही मिलता है, सेम मिलता है, इस साल जो मिला वही अगले साल मिलने वाला है, तो मुझे पता है मुझे 2 साल के भीतर, 2 साल में मुझे 320 मिला है, 320 मतलब क्या है, ये 2 साल का कंबाइंड इनकम है, तो 1 साल में मुझे कितना मिला होगा, $160, $160, $160। अब आप सोचो $160 किसी चीज का 8% है, देखो 100 में से 8, $160 मतलब होता है 8%, देखो ना 100 का 8 मतलब 160 होता है, ये इसका कितना टाइम होगा, 20 टाइम, तो इसका 20 टाइम करके भी आप निकाल सकते हो कि अगर 100 पे 8 मिलेगा तो अगर आपको इंटरेस्ट 20 टाइम ज्यादा मिला है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 100 के जगह 20 टाइम ज्यादा 2000 होगा। खूब आपको ये समझा, मे बी आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, यू कैन यूज द फॉर्मूला, बट फॉर्मूला ना इंसान की सोच को थोड़ा लिमिटेड कर देता है, एंड दैट आई रियली डोंट लाइक इट। मैं ये कह रहा हूं सिंपली 320 मुझे मिला है 2 साल का, 1 साल का 160 हुआ, और बात हुई थी 8% पर एनम, इसको ऐसे रीड करना, 100 रुपए पे 8 रुपए देने की बात हुई थी, पर 8 के बदले में है 160, दैट इज 20 टाइम, आई एम गेटिंग अ रिटर्न 20 टाइम, सो मेरा इन्वेस्टमेंट भी 20 टाइम होगा 100 के जगह, तो वो आ जाएगा 2000, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, विच एवर वे यू लाइक इट यू कैन कीप दैट मेथड, बट समझ थोड़ा बैक ऑफ योर माइंड ऐसे चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ $8000, यहाँ पे देखो क्लियर कट मेंशन किया है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है, इज लेंड एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर है, वो बैच पे दिया गया एक तरीके से 10% पर है ना, ओके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है तो चलेगा। कभी कभार सिंपल और कंपाउंड दोनों मेंशन ना हो तो जनरल लोग कहते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही मान के चल रहे हैं, एप्टीट्यूड के भाषा में लोग बोलते हैं। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ओके नाउ दे आर आस्किंग व्हाट अमाउंट आई विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर,
दे आर नॉट आस्किंग ओनली इंटरेस्ट, दे आर आस्किंग द अमाउंट, एंड आई नो द अमाउंट इन द एंड आई विल रिसीव इज नथिंग बट द प्रिंसिपल दैट आई हैव इन्वेस्टेड प्लस द इंटरेस्ट. चलेगा. तो मैं पहले ये सोचता हूं कि टाइम पीरियड मुझे मिल गया. अगेन देखो, मुझे मेरे पास पी है, एन है, आर है. मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूं. तो इंटरेस्ट होगा पी एन आर बाय 100. जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 2, एंड दिस इज 100. दो जीरो कैंसल, 2 इंटू 8 होता है 16, एंड दो जीरो अप्लाई होगा. दिस इज $1600. बट दिस इज इंटरेस्ट. इज दिस द अमाउंट दैट आई विल टेक होम? नो, आपको बता रहा हूं मेरा अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड आई विल टेक इट बैक ना. सो $8000 प्लस दिस इज 1600. सो द अमाउंट दैट आई विल टेक इज 9600 फ्रॉम द बैंक और जिन जिन जहां पे भी मैंने दिया है. खूब समझा है? देखो, आप सिंपल भी बोल सकते हो ना. देखो, अभी दिमाग क्या है, 8000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, तो 8000 तो मेरा लेना है. 10% 8000 का कितना होता है? 800 रुपए. एक साल का होगा मेरा इंटरेस्ट 800, दो साल का होगा 1600. तो 800 प्लस 1600 होता है 9600. यही चीजें, मतलब इतनी सिंपल चीजें, क्या इतना फॉर्मूले से जाना चाहिए? ये आप जरूर सोचिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. मैं सारी चीजें फॉर्मूले से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये डिजिटल अगर एक रिकॉर्ड बन रहा है ये एक तरीके से वीडियोस, तो ऐसा ना हो कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया करके. चीजें मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं करके. आप ट्रांजिशन देखना, इधर से ओपन हो रहा है, एक नीचे से, एक ऊपर से, इतने बारीकाई से मैंने डिजाइन किया चीजों को. बट यस, समझ भी मैं उतने ही डिटेल में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहे तो बैठ के वीडियो पॉज करके, आप रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हो तो स्टॉप करके लिख सकते हो सारे एग्जांपल. होप समझ आपको जो कैरी करनी है वो साथ में आप कैरी कर रहे होंगे. एकदम सिंपल तीन मैंने अमाउंट समझाया, इसमें अगर इधर साइड में कोई मिसिंग है तो वो समझाया, सिंपल डायरेक्टली आय मांगा तो वो भी समझा दिया. अब जैसे हम आगे जाएंगे, छोटा छोटा सवाल में क्या करेंगे, डिफिकल्ट नहीं, लैंग्वेज थोड़ा ट्विक करने की कोशिश करेंगे. क्या आप वो लैंग्वेज समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, ये टेस्ट रहेगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं. मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके मेरा एक टेक में जितने वीडियोस में बता सकूं क्वेश्चंस उतने इस वीडियो में रखता हूं, बाकी मैं अगले वीडियो में रखूंगा. आगे देखिए, अब फोर्थ एग्जांपल, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी. देखो, ये बात कर रहे हैं कि एक इंसान को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कुछ एक सम ऑफ मनी अगर वो 4 साल के लिए रखता है 5% से, और वो अमाउंट कितना है? 400. अब ये एग्जांपल पिछले इसमें हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? अगेन सवाल इजी है. देखो, आपको टाइम पीरियड गिवन है 4 साल. पता है मैंने इतने एग्जांपल क्यों रखे? सुधर आपका फॉर्मूले पे कमांड अच्छे से आए, क्योंकि कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि मैं ये चैप्टर भूल जाता हूं बार बार, तो एग्जांपल थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग. टाइम पीरियड 4 साल है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है वो दिया है $400. देखो, एक लाइन रहती है ना, ये यहां से लाइन चालू होता है और ये यहां पे बता रहा है कहानी लंबी घुमा के. तो अगर मुझे ये समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, बताने का प्राइस ही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है. चलेगा. अब देखो, फॉर्मूला मुझे इंटरेस्ट ही बताता है, बट चलेगा ना, मुझे पी चाहिए तो मैं बाकी चीजें ट्रांसपोज कर दूंगा उधर, वो भी चलेगा. देखो, इंटरेस्ट है 400, इंटरेस्ट है 400, प्रिंसिपल है पता नहीं वही निकालना है, टाइम पीरियड है 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. तो अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, 5 × 4 = 20. 20 से ये डिवाइड कर लो यहां पे, तो ये 5 हो जाएगा. आप उधर भी डिविजन दे सकते थे, 5 यहां से इधर शिफ्ट होगा, सो द प्रिंसिपल कितना आएगा? 2000. कि क्या सेम एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं करके? नहीं, वो आई थिंक अलग था. चलेगा, वैल्यूज अलग था, मुझे लगा आंसर सेम ही आया इसलिए. तो ये क्या आ जाएगा? 2000. अगेन देखो, अगर मैं ओरली करना चाहूं ना, ओरली आप सोचो, सिंपल इंटरेस्ट देखो मैंने बात किया है कि साल का 5% मिलेगा. आप मेरे पास 4 साल के लिए अगर रखोगे ना, तो हर साल मैं आपको 5% दूंगा प्रिंसिपल का, तो 4 साल में सीधा सीधा है
मैं प्रिंसिपल का 20% देने के लिए तैयार हूं। 20% मतलब क्या है, हर 100 रुपए पे 20 रुपए आपको 4 साल के एंड में मिल जाएंगे, पर 20 नहीं, एक्चुअली कितना मिल रहा है, 400। सो 20 का 20 टाइम होगा 400, तो इसका भी 20 टाइम कर लो, तो ये आ जाएगा 2000। देखो रेशियो हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ये ओरली भी चल सकता है, आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फॉर्मूले के लिए किसी ने आपको नहीं रोका है, पर साथ साथ में मैं रखना चाहता हूं कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए, 5% साल का, 2 साल का 10%, तो 2 साल का 10% है, 4 साल का 20%, तो 400 रुपये मतलब किसी चीज का 20% है, तो ओरिजिनल अमाउंट 2000 होगा, खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ सम ऑफ $1500 अमाउंट टू $1800 इन 5 ईयर। देखो अभी ऐसा जब सवाल आता है एट सिंपल इंटरेस्ट, लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ पे मुझे क्या दिया है। देखो उन्होंने बोला है कि अगर मैं किसी बैंक में 1500 डिपॉजिट कर दूं, तो मुझे 5 साल बाद 1800 रुपए इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वो अमाउंट टू, वो कितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है, वो 1800। मतलब अगर मैं बैंक में 1500 रुपए रखू, तो 5 साल के एंड में मुझे बैंक कितना देगा बताए, 1800। अब यहां पे आपको ये समझना है कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस होता है, दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट। देखो जो फाइनल अमाउंट बनता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनता है, तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो यही तो फॉर्मूला बनेगा और वो आपको देगा इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। देखो 1800 माइनस 1500, जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला है वही तो मेरा इंटरेस्ट है, $300। अब आप देखो आपके पास आय है, आपके पास पी है, टाइम पीरियड है आपके पास 5 ईयर्स, तो ऑब्वियसली एक चीज मिसिंग है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन यूज द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन आंसर। आप देखो इंटरेस्ट था 300, प्रिंसिपल 1500 था, टाइम पीरियड था 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट था पता नहीं, यही तो निकालना है, और ये जीरो। देखो दो जीरो कैंसिल, यहां पे करना आसान है। अब देखो ये 15 और 5, आप इसको इधर डिवीजन में लेके जा सकते हो चाहे तो कैलकुलेट के लिए, तो आर का वैल्यू आएगा 300/15 और 5 नीचे आ जाएगा, 15 × 2 = 30, 20, 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4%, हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 4%। बट अगेन मेरा काम है आपको एग्जाम्पल समझाना। देखो सिंपल इंटरेस्ट में अगेन मैं बोल रहा हूं हर साल आपको बैच सेम ही मिलता है, तो मैंने अगर आपको 5 साल का 300 रुपए दिया एक्स्ट्रा, तो आप क्या बोलोगे, आप साल का मुझे सिर्फ 60 रुपीज दे रहे हो, हर साल के हिसाब से कितना दे रहे हैं, 60 साल के हिसाब से 60, पर आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, 1500 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1500 पे अगर मैं 60 दे रहा हूं, तो 100 पे कितना दे रहा हूं, दो जीरो कैंसिल और 15 × 4। देखो ये सिंपल सिर्फ एक साल के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कोई ये भी कर सकता है कि मेरे 1500 रुपए इन्वेस्टेड थे तो मुझे 300 रुपए मिला, 1500 पे 300 रुपए, तो 1/5, तो सीधा सीधा क्या है, 20% मिल गया, पर ये 20% मुझे एक साल में नहीं मिला है, मुझे 5 साल लगे ये 20% जमा करने के लिए, तो ये 5 साल में अगर मुझे कोई 20% दे रहा है, तो सालाना मुझे वो 4% का भाव दे रहा होगा, यही सवाल है, घुमा फिरा के कैलकुलेशन से। इफ आर गुड एट मैथ यू कैन डू दिस, इवन आप एवरेज हो तब भी आप ये परफॉर्म कर पाओगे अगर आप कोशिश करोगे तो। हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, ये कोर वैल्यू होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये आना चाहिए, खूब ये समझा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेट परसेंट। देखो फाइंड द रेट परसेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम, अच्छा मतलब सीधा सीधा मांगा है, डायरेक्ट मांग रहा है ये आर। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, ओके टाइम पीरियड भी दिया है कि 3 साल के लिए अगर मैं कोई पैसा रखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, इस बार अमाउंट नहीं दिया है, देखो लैंग्वेज क्या है, 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल, तो जितना भी प्रिंसिपल है उसका 3/5 मिलेगा, तो देखो 3/5 ऑफ मतलब वो इंटू आएगा एक तरीके से प्रिंसिपल, तो 3P/5 लिख सकते हो, 3/5 × P, ये आपका इंटरेस्ट। अब आपको आर मांगा है, तो देखो अभी लोग ना थोड़े डर जाते हैं कि यार कैसे पुट करो, अरे आप बिंदास रहिए और फॉर्मूला लिखिए, I इज इक्वल टू P एन आर बाय 100।
100। अब आप देखो क्या होता है, पी आपको नहीं दिया तो पी एज इट इज रखो, एन आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। लोग बोलेंगे इस बार तो दो दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा ना, डोंट वरी। जब आप इंटरेस्ट को लिखोगे 3/5 ऑफ द पी, तो देखो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका पी मिला है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। 3 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। 5 देखो आप चाहे तो पहले 100 को इधर शिफ्ट कर दो ऊपर न्यूमरेटर में, मैं जानबूझ के स्लो कर रहा हूं, दोज हु आर वीक एट कैलकुलेशन और ऐसा तो वो थोड़ा आसानी से समझ जाए। तो आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 20। अगेन आसान है। आप देखो दोज हु आर गुड एट मैथ दे विल लाफ एट मी एंड से कि सर अगर आपको प्रिंसिपल मिल रहा है 3/5 और आपने परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो 3/5 मतलब होता है 60%। अगर 3 साल का कोई प्रिंसिपल का 60% आपको पे कर रहा है तो सालाना आपको 20% पे कर रहा है, ये बात तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आपको शर्म आनी चाहिए करके। तो मैं ये कहूंगा करके जो पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं विदाउट कीपिंग द ऑप्शंस। होप ये समझा है। अगेन 3 एग्जाम्पल और लेता हूं, ये इजी कैटेगरी के सारे एग्जाम्पल्स है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा हो सकता है लेंदी हो जाए, बट वैसे भी हम पोर्टल के हिसाब से रख रहे हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड विल 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 डेफिनेटली वॉच इट, तो उस हिसाब से कि 9 एग्जाम्पल एक ही वीडियो में हमारे कवर हो जाए। फिर बाद में सेकंड वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे 2 से 3। आप देखो सवाल कैसे पूछा है, अब इसके पहले वाला अगर आपको थोड़ा समझ आया होगा तो चीजें आपकी हर एग्जाम्पल और ज्यादा समझ बढ़ाएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा विल शेयर द क्वेश्चन पीपीटी विद यू। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। और ये सवाल जब भी मैं क्लासरूम लेवल पे डिस्कस किया है ना, दोज हु आर गुड एट मैथ दे विल गेट अ हैंग ऑफ इट कि वहां पे क्या दिया है, बट जिनके लिए पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो उन्हें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब है फॉर्मूला, पर चीजों को लिखना कैसे ये नहीं समझ में आता। प्रिंसिपल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, देखो सिंपल बोला इन्होंने, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। 8 साल में अगर मुझे पैसे डबल करने हैं तो क्या बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलना चाहिए। देखो अभी समझ के बात क्या रहती है, दोज हु आर वीक एट मैथ आप ऐसे सोच सकते हो कि पैसा डबल होना चाहिए, तो अगर मैं लेट से पी 100 रुपए रखता हूं, प्रिंसिपल 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, आप चाहे तो पी रख सकते हो, तो मुझे एक बात बताओ जो इंटरेस्ट है, अगर मैं बैंक में 100 रुपए रखूंगा और मेरे पैसे डबल होने चाहिए, मतलब 100 रुपए के पैसे अमाउंट कितना होना चाहिए, 200 रुपए, तो मैं क्या कहूंगा पता है, 100 के अगर मेरे पैसे 200 रुपए होने चाहिए तो मुझे बैंक 100 पे 100 रुपए मिलना चाहिए। देखो अगर पैसा डबल होना चाहिए मतलब मुझे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये भी मैं बोल सकता हूं, पर ठीक है तो मैं सिंपल यही बोलूंगा ना, अगर मेरा प्रिंसिपल पी होगा तो मेरा इंटरेस्ट भी पी होना चाहिए, ऐसा बोल सकता हूं। और आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल 100 रुपए होगा तो इंटरेस्ट 100 रुपए मिलेगा। इफ यू आर गुड एट नंबर्स, आपको लेना पसंद है तो नंबर लीजिए। टाइम पीरियड है 8 साल का और पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 100 कैंसिल होगा और ये 100 ऊपर जाएगा और ये 8 नीचे आएगा, ये ऊपर वाला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा 12.5%। खूब ये सवाल में आपको समझा कि व्हेन वी से द अमाउंट डबल इटसेल्फ यू कैन से कि अगर मेरा पैसा पी रुपए होगा मुझे पैसा डबल होने के लिए पी पे पी रुपीस अर्न करने पड़ेंगे, मतलब इंटरेस्ट आपको पी रुपीस मिलना चाहिए। वैसे पी पी लिया तो भी वो कैंसिल ही होने वाला है, 100 100 लिया तो भी कैंसिल होना है। अब कोई और मेथड है क्या, देखो मेरा ये समझ है कि 8 साल में अगर आपका पैसा डबल होना चाहिए तो आपको 100% रिटर्न चाहिए, 100%, और अगर आप 100% रिटर्न चाहते हो 8 साल में तो सालाना सिंपल इंटरेस्ट अगेन हर साल फिक्स ही रहता है, तो 8 साल में 100% तो साल का बैंक को आप मांगिए 12.5%। ये समझ आपकी कहेगी, पर अगर ये नहीं समझ में आता है फॉर्मूला विल हेल्प यू आउट कि स्लोली स्लोली क्यों ना जाए, पर आपके सवाल जरूर बनेंगे।
100% 8 साल में आपको चाहिए तो साल का 12.5% मांगिए, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल फिक्स ही मिलता है इस तरीके से। होप ये समझा है। अगेन दो एग्जांपल, मुझे पता है बहुत लंबा हो गया करके वीडियो, बट चलेगा, एक टाइप के एग्जांपल डिस्कस हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक समझ में आएगा तो चीजें और समझ में आता है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद, मतलब सीधा सीधा इस बार टाइम पीरियड मांगा है, उड एन अमाउंट डबल इटसेल्फ, एक अमाउंट डबल कैसे होगी? मतलब देखो, अगर मेरा प्रिंसिपल पी है तो मुझे उस पे इंटरेस्ट भी पी चाहिए, तभी तो मेरा पैसा पी का 2P हो जाएगा एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। आप देखो ये चीजें बराबर लेने में आप अगर आप सक्षम हो तो आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है आपके पास, पुट कीजिए वैल्यू, गेट द आंसर। प्रिंसिपल है पता नहीं, पर इंटरेस्ट भी पता नहीं ना, वो पी है, पी पे पी, 100 पे 100, 1000 पे 1000, जो भी हो वैसे भी कैंसिल ही होना है। एन पता नहीं क्योंकि कितना साल लगेगा 12% के हिसाब से पैसे आपको डबल करने के लिए, यही सवाल है। तो पी कैंसिल होगा और ये 12 इधर जाएगा, और 12 को इस बार 100 इधर जाएगा और 12 से डिवाइड होगा, तो एन का वैल्यू आएगा 8.33। ये ऑलरेडी हमने परसेंटेज में वैल्यू सीखा है, 1/12 और 100/12 होता है 8.33। कोई ये भी बोल सकता है देखो साल का 12% मिलेगा 8 साल में, 8 साल में आपको 96% जमा हो जाएगा बैंक में, आपको चाहिए 100%, मतलब और 4% चाहिए, साल का 12% है तो 4% अभी बचे आपके और कमाने के, तो 1/3 ईयर बचा हुआ यूज कर लीजिए, तो 8 साल और उसके ऊपर 1/3 ईयर, तो 8.33 ईयर, दिस द टाइम पीरियड इन ईयर, आप कह सकते हो 8 साल पूरे और अगले साल का 1/3 टाइम पीरियड, 1/3 टाइम पीरियड मतलब 4 महीने, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा आए 8 इयर्स एंड 4 मंथ, क्वाइट पॉसिबल। ये भी समझा है, तो नेक्स्ट एग्जांपल, बस लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का, अगले वीडियो में 3 डिफिकल्ट जहां पे कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऐड करना है, वो कैसे करना है ये सीखना है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज 450, फाइंड द सम। देखो अभी सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला डायरेक्ट, अभी लिखना भी नहीं चाहिए आपने, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दिया है 450, प्रिंसिपल पता नहीं, आपको रेट ऑफ टाइम पीरियड दिया है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड, 1 0 कैंसिल होगा, 3 से यहाँ पे डिविजन जाएगा 150 का एंड 10, यहाँ पे देखो एक ही 0 कैंसिल हुआ था तो ये 10 इधर जाएगा, तो प्रिंसिपल आएगा 1500 रुपए। और वैसे भी देखो ना 10% साल का बराबर 465, मुझे 3 साल का मिला है तो 1 साल का 150 रुपए मिला होगा, और किसी चीज का 10% अगर 150 है तो ओरिजिनल अमाउंट 1500 होगा। होप आपको ये बेसिक एग्जांपल समझे होंगे, जहां पे हर बार वही फॉर्मूला यूज किया है हमने, लैंग्वेज भी बहुत टफ नहीं थी। अब पेपर में आने वाले सवाल या लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे बढ़ाते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो लैग जब करता है ना, तब जाके एग्जाम्पल नहीं बनता। अब वो एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट वीडियो में रखे, 3 से 4 एग्जाम्पल में आइडिया। देखो सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे बात करें तो इससे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक, फिर बाद में कंपाउंड और सिंपल के मिक्स सवाल ज्यादा बेटर बनेंगे, पर वो आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट पे और मिलेंगे। थैंक यू।